अलवर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने अपने निवास पर झंडारोहण किया। इस दौरान उनके निवास पर सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। उसके बाद जिला कलेक्टर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए उनको याद किया। इस दौरान शहीद स्मारक पर सेना के जवानों और रिटायर्ड सेना के जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों की कुर्बानी को याद किया। इसके बाद जिला कलेक्टर भवानी चौक स्थित मिनी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पहली बार मिनी विश्वविद्यालय में झंडारोहण किया गया। झंडारोहण से पहले गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद जिला कलेक्टर पुखराज सेन, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, एडीएम सिटी नवीन यादव, नगर परिषद आयुक्त मनीष पोजदार मौजूद थे। देखिए, आज हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया और जिले में सब तरफ अच्छे से फंक्शन मनाया गया है। बहुत खुशी का माहौल है और आज के दिन हमें जो हमारे आज़ादी के जो शहीद थे उनको नमन करना है। जिन लोगों ने देश के विकास में योगदान दिया उन सबको याद करना है और हमारे जो मूल कर्तव्य है वो भी वहाँ पर पढ़े गए फंक्शन में, वो हमें याद रखने और हमें हमारे जो सिद्धांत है उनके साथ आगे बढ़ना है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फूड पैकेट का भी आज शुभारंभ होने वाला है। अलवर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितनों को दिए जाएंगे, क्या पूरा रहेगा कार्यक्रम? अलवर में सभी ब्लॉक मुख्यालय पर फंक्शन किए जा रहे हैं, जिला हेडक्वार्टर पर भी फंक्शन किया जा रहा है और सभी FPS जो है उन पर भी इसका झंडारोहण करके शुभारंभ किया जाएगा। फूड पैकेट्स पहुँचाए जा रहे हैं। कुछ जगह पर हो सकता है कि फूड पैकेट्स अभी हम सार्वजनिक रूप से सबको ना दे पाए, लेकिन आज शुरुआत सभी जगह पर हम कर लेंगे।